नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार में महागठबंधन और बीजेपी के बीच बयानबाजी के साथ साथ अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। दिवाली और छठ की बधाई के बहाने पटना में जेडीयू ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। मंगलवार को पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जेडीयू की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है। इसमें नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात लिखी गई है। पोस्टर के जरिए दिवाली, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा की बधाई भी दी गई है। इसके साथ ही तंज कसते हुए बीजेपी और आरएसएस का फुल फॉर्म भी लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि बीजेपी का असली मतलब है बेचकर जाएंगे पूरी, वहीं आरएसएस का मतलब लिखा गया है राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। कुल मिलाकर जेडीयू ने बीजेपी प्लस आरएसएस का मतलब यह लिखा है कि बेचकर जाएंगे पूरी राष्ट्रीय सरकारी संपत्तियां। वहीं जेडीयू के नेता अरविंद सिंह और छोटू सिंह ने बताया, हम लोग बिहार की जनता को त्योहार की बधाइयां दे रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के कारनामों को भी जनता के बीच पोस्टर के जरिए दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसने बिहार को एक अलग पहचान दी है। बीजेपी लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है, यह पोस्टर के जरिए दिखाया गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर लगी हुई है। साथ में ललन सिंह, विजेंद्र चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार की भी तस्वीरें लगी हैं। पोस्टर के आखिरी हिस्से में लिखा गया है कि जनता बेहाल, दीमक खुशहाल, दीमक भगाओ, नीतीश कुमार को पीएम बनाओ। यह भी लिखा गया है कि देश की सरकारी संपत्तियों में दीमक लग चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।